दोस्त नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि हम हमारे डॉग्स को, हम हमारे पेट को मिल्क और गेहूं की रोटी दें या ना दें। देखिए, ग्रामीण परिवेश में देखें चाहे शहरी परिवेश में देखें, दूध और रोटी का जो कॉम्बिनेशन है वो डॉग्स के लिए बहुत पुराने टाइम से इस्तेमाल किया जाता है और दूध को दिया जाता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो अपने डॉग को दूध रोटी पे ही रखते हैं। अब उन्हें जब कहा जाता है कि दूध रोटी से भाई समस्या हो जाएगी, तो वो कहते हैं कि हो ही नहीं सकता कि दूध रोटी से कोई समस्या हो जाए। तो मैं आज आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपको अपने पेट को, अपने डॉग को दूध रोटी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, दूध और गेहूं की रोटी, ये दोनों जो होते हैं उनमें बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं जो एलर्जी करते हैं। तो इसीलिए आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि दूध और गेहूं की रोटी कंटिन्यूअसली आपको काफी समय तक अपने डॉग को नहीं देनी है। हाँ, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे डॉग्स रहते हैं ऐसे हैं जिन पर एलर्जीज नहीं होती है, स्किन डिजीज नहीं होती है दूध और गेहूं की वजह से, लेकिन 50% से 70% तक डॉग्स ऐसे हैं जिनमें गेहूं और मिल्क अगर लगातार दिया जाए, मैं मिल्क का मतलब गाय भैंस के दूध की बात कर रहा हूं, अगर लगातार दिया जाए तो स्किन डिजीज हो जाती है और वो जो स्किन डिजीज होती है वो फिर ठीक होने में बहुत ज्यादा समय लेती है। इसीलिए आप विशेष ध्यान रखें, फूड एलर्जी जिन डॉग्स में हो रही है उन डॉग्स को आप दूध और रोटी नहीं दे सकते। अब आप पता कैसे करेंगे हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, पता इसका बिल्कुल चलता भी नहीं है, लंबे समय से हमें पता चलता है। जब लंबे समय तक, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक जब ये दूध रोटी खिलाई जाती है तब उसके परिणाम आते हैं। तो आप प्लीज इसे अगर आप खिला भी रहे हैं तो कम कीजिए, दूसरी चीजों को भी मिक्स कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, डॉग फूड, कोई सा भी डॉग फूड आजकल इंडिया के हर कोने में हर कंपनी का डॉग फूड उपलब्ध है, तो आप कोई सा भी मंगवा सकते हैं। और साथ में मान लीजिए कि दूध रोटी के साथ ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो कम से कम 50-50 आप कर लीजिए और 50-50 के हिसाब से दीजिए। इसके अलावा डॉग्स को खिलाने वाली बहुत सारी चीज़ें हमने बता रखी है, हमारे चैनल्स पर बता रखी है क्या खिलाना चाहिए क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो उनमें से जो चीज़ें आपके घर में उपलब्ध है वो चीज़ें आप आराम से खिला सकते हैं, यानी अकेले दूध रोटी पे ना रखिए। डॉग्स को खिलाने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे घर में उपलब्ध है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो ऐसे सर्दी के मौसम में आप शकरकंद खिला सकते हैं, आप जो स्वीट पोटैटो होती है वो, और आप खिला सकते हैं पोटैटो यानी आलू भी खिला सकते हैं। तो ये चीजें बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा आप मिक्स में दलिया बना लीजिए, या जो मिक्स जो आटा आता है जिसको मल्टीग्रेन आटा कहते हैं, वो बहुत ही शानदार रहता है। तो मल्टीग्रेन आटा मंगवा लीजिए आप और उसकी रोटी बनाइए तो बहुत ही अच्छी रहेगी। यानी कि दूध रोटी की जगह आप धीरे 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 करके बदलाव लाइए और धीरे धीरे करके दूसरी जो चीजें हैं वो भी ऐड करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब स्किन डिजीज हो जाएगी ना उसके बाद आप प्रयास करेंगे कि मैं बंद कर दूं ये वो, तो उसके बाद फिर नहीं होगा। इसके अलावा ग्रोथ पर भी काफी असर पड़ता है, इसीलिए जब भी आप दूध रोटी खिला रहे हैं साथ में डिवॉर्मिंग का ध्यान रखें, मल्टीविटामिन्स वगैरह देते रहें, लीवर टॉनिक वगैरह देते रहें ताकि ज्यादा नुकसान ना हो। तो विशेष ध्यान आपको ये रखना है, दूध रोटी अगर आप खिला रहे हैं तो आप दूसरी चीजों को मिक्स करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि डॉग्स के लिए ना तो गाय भैंस का दूध सही है और ना ही गेहूं की प्योर रोटी। मैं ये नहीं कहता मल्टीग्रेन, मतलब बहुत सारे जो अनाज मिला करके आप देते हैं वो तो दे सकते हैं, लेकिन अकेले गेहूं की अगर आप देंगे और दूध देंगे तो भाई धीरे धीरे करके आगामी जो परिणाम आएंगे वो दुष्प्रभाव वाले हो सकते हैं। इसीलिए आप धीरे धीरे कम कीजिए तो आराम से कर सकते हैं, बजट को ध्यान में रखते हुए इन सभी चीजों में बदलाव कर सकते हैं।